to my channel Shadisless and welcome back to hashtag Shadi Saga series day 2. So आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ड्रीम ब्राइडल लहंगा प्लस उसके साथ एक ब्यूटीफुल सा ब्राइडल लुक. सो गाइज वैसे आपने देख लिया है कि वो लहंगा मेरे पे कैसा लग रहा है, वो लहंगा क्या है, बट मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया. सो ये जो लहंगा है ये लहंगा है वोगम फैशन की तरफ से. सो ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट की खास बात ये है कि यहाँ पे आप अपना ड्रीम आउटफिट, जो भी आपका ड्रीम आउटफिट है या फेवरेट आउटफिट जो आप चाहते हो वो आप पा सकते हो, क्योंकि अदर वेबसाइट पे जो आपको दिखता है वही बाय कर सकते हो, बट जो आपका आउटफिट आपको जिस कलर का, जिस डिज़ाइन का, जो आपका ड्रीम है कि हाँ मेरा ये आउटफिट होना चाहिए या मेरा लहंगा या मेरी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए, वो आपको मिल सकता है वोगम फैशन से. सो इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. बेसिकली ये काम कैसे करती है वेबसाइट मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी और उसके बाद मैं शेयर करूंगी अपना पूरा मेकअप लुक. सो इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है और वहाँ पे आपको अपलोड करना है आपका ड्रीम आउटफिट, जो भी है आपका फेवरेट आउटफिट या आपका जो ड्रीम आउटफिट है वो आपका अपलोड करना है विद योर बेसिक मेजरमेंट, जो भी आपका मेजरमेंट है उसके हिसाब से. और कुछ ही टाइम के अंदर यू विल गेट अ रिवर्ड ऑन मेल और नोटिफिकेशन जिससे आपको वो पूछेंगे कि आपका क्या कलर है और क्या मटेरियल है, क्या एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम है, और मीन वाइल तब तक वो आपको असाइन करेंगे एक पर्सनल फैशन डिज़ाइनर. येस गाइज, और वो पर्सनल फैशन डिज़ाइनर आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा आपका जो आउटफिट है उसको कंप्लीट करने में कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए आपके लहंगे में. वो आपसे, जो उनका पर्सनल फैशन डिज़ाइनर होगा वो आपसे व्हाट्सएप के थ्रू और कॉल के थ्रू आपसे पूछेगा कि आपका जो भी बजट है उस बजट में आपका वो डिज़ाइनर आउटफिट बनवाने में वो हेल्प करेगा. दिस इज़ सच एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत आपका जो ड्रीम आउटफिट हो सकता है बहुत एक्सपेंसिव हो बट आपका उतना बजट ना हो, तो जो भी आपका बजट होगा उस बजट में वो आपकी हेल्प करेंगे कि हाँ आपका जो आउटफिट है उस बजट में सेट हो जाए. वो आपके जो एलिमेंट्स यूज़ होने हैं, जो ड्रॉ स्ट्रिंग्स हैं, जो कलर है, जो फैब्रिक है, एवरीथिंग वो आपसे पूछा जाएगा, हर बार आपको दिखाया जाएगा थ्रू व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू आपसे बात करी जाएगी कि ये चीज़ें आ चुकी हैं, ये चीज़ें ऐड हो रही हैं. और जब सब चीज़ से आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ मुझे ये चीज़ें ऐड करानी है, ये निकलवाना है, ये कलर है, ये फैब्रिक है, और उसके बाद जब आप पूरा सेटिस्फाई हो जाओगे, सब कुछ बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तभी वो ड्रेस आपके डोरस्टेप तक आपको डिलीवर कराई जाएगी. सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है ये प्रोसेस, बट ट्रस्ट मी इसमें आपको कोई यू नो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि हर चीज़ आपके मुताबिक हो रही है. जैसे कि मेरा ये डिज़ाइनर लहंगा, लाइक दिस इज़ माय फेवरेट वन, क्योंकि ये इसमें एक पिक्चर थी, मैं स्क्रीन पे आपको डाल दूंगी, ये पिक्चर मैंने उनको दिखाई थी, अपलोड की थी, और यही मेरा जो फेवरेट कलर था एवरीथिंग, क्योंकि मुझे ये पेस्टल कलर का लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था. 2 महीने पहले इसके ऊपर की बात है मैंने ये अपलोड डाली और मेरा जो मेजरमेंट था वो सारा मैंने वहाँ पर लिखा, उस मेजरिंग में के थ्रू ही आया है. और जैसे कि आपका वेस्ट लाइन, आपका बस्ट साइज, आपको कितना, सब कुछ उस हिसाब से. एंड उसके बाद जो उनको फैब्रिक पसंद आता है या जो आपका फैब्रिक है, कलर है, तो जो मैंने डाली थी एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट आई कैन से कि एग्जैक्टली है, क्योंकि यू गाइस कैन से दिस इज सो सो हैवी. आई एम टेलिंग यू गाइस दिस इज सो हैवी, क्योंकि इसके अंदर जो उन्होंने वर्क किया है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, काफ़ी अच्छी लेयर अंदर भी है, कैन कैन भी बहुत अच्छा दिया है, उसके बाद भी फिर यहाँ पे आपको अलग से लाइनिंग दी है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, लुक एट दैट. तो जैसा पिक्चर में दिख रहा था सेम वैसे ही एम्ब्रॉयडरी इन्होंने की है, हल्का सा कलर डिफरेंस है क्योंकि वो एग्जैक्टली कलर नहीं मिल रहा था, बट इज ओके फॉर मी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं है. एंड दुपट्टा इज टू मच गाइज, लाइक लुक एट द दुपट्टा. और उसके बाद इन्होंने जो इसमें एलिमेंट्स यू नो डॉ स्ट्रिंग्स ऐड किए थे वो भी मुझे शो किए थे कि मैम हमारे पास ये वाले हैं, आपको ये अच्छे लग रहे हैं, हम कुछ और ऐड करें. तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप अपनी इमेजेस भेज सकते हो कि हाँ भाई ये मेरा रेफरेंस है, मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वो ऐड करेंगे. धीरे धीरे काम होता जाएगा, धीरे धीरे आपको वो इन्फॉर्म करते जाएंगे, आप नोटिफाई होते जाओगे कि हाँ मेरा काम यहाँ तक पहुँचा है. और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता आप उस टाइम चेंज करा सकते हो कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, आप इसे चेंज कर दीजिए, तो वो आपको चेंज करेंगे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट वो नहीं ले रहे हैं, जो आपने बजट सेट किया है उसी बजट में वो सब कुछ करके देंगे. सो मुझे जो ड्रॉ स्ट्रिंग्स पसंद आए थे वो ये वाले थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये, यू नो
यू गाइस कैन सी फैब्रिक के हैं. दुपट्टा भी मुझे बहुत पसंद आया था. दुपट्टे में मैंने छोटी छोटी बोली थी, उन्होंने बोला कि मैम बट ये ऑलरेडी इतना हैवी है तो वो अच्छा नहीं लगेगा. मतलब वो आपको सजेस्ट भी करते हैं कि हाँ क्या चीज़ अच्छा लगेगा. सो एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए था वो इस चीज़ में मुझे मिला है. इसका ब्लाउज पीस भी लुक एट दैट पूरा फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड है. स्टोन वर्क इतना हैवी काम है इसके अंदर और सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, नीट एंड क्लीन है. सो मुझे मेरा जो डिज़ाइनर लहंगा था, मेरा फेवरेट जो लहंगा था, मुझे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रिसीव हुआ है. एंड अगर आपका कोई भी ड्रीम आउटफिट है तो आप डेफिनेटली वोगम फैशन को एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि आपका जो भी आउटफिट है वो आपको वैसा ही मिलने वाला है आपके हिसाब से. सो इसका लिंक जो होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस लहंगे के साथ कितना ब्यूटीफुल मेकअप लुक क्रिएट किया है ब्राइडल के. सो दिस इज अ ब्राइडल लुक. आई विश कि मेरी शादी होती तो मैं इसको पहन पाती, बट फिर भी मेरी जो खुशी थी, मुझे जो पहनना था वो मैंने पहन लिया मेरे मन का, और मैं सब संभाल के रख दूंगी फॉर श्योर. बहुत सारे ओकेजंस में मुझे काम आने वाला. सो गाइज आप देखेंगे हमारा मेकअप लुक, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मेकअप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बालों में पिन, ताकि वो मेरे फेस पे ना आए जब मैं मेकअप करूँ. तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर बार का टाइमलेस लिफ्ट पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट. इस मिस्ट से आपके पोर मिनिमाइज हो जाते हैं. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये गो रोज़ हिप ऑयल गुड वाइब्स का. यू गाइज नो आई लव दिस फेशियल ऑयल, क्योंकि ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, स्मूथ करता है फेस को. नेक्स्ट मैं यहाँ पे मिलानी का प्रेप ब्राइटनिंग रोज़ सीरम यूज़ कर रही हूँ. ये नया सीरम है मिलानी का, एंड गाइज दिस इज़ सो गुड. अगेन ये फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है. तो मैंने फेस को अच्छे से प्रेप कर लिया है. एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ आई मेकअप, तो उसके लिए मैंने मेबलिन का ये करेक्ट एंड हाईलाइट किट लिया है, जिसमें से मैं हाईलाइटिंग शेड ले रही हूँ. अपनी आईलिड को आईलिड पर एज अ बेस अप्लाई करी हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले आई मेकअप करूँगी. यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज पहने हैं ओ लेंस के इन दी शेड रशियन वेलवेट ब्राउन. उसके बाद एक स्पंज की हेल्प से इसे ब्लेंड आउट कर लेंगे. और उसके बाद बेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन फिट मी के कॉम्पैक्ट से यूज़ कर रही हूँ, और ये है 220. तो मैं इसमें मोस्टली सारे के सारे न्यू मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने अभी रिसेंट में पर्पल से लिए हैं. तो आप चाहो तो इनको चेक कर सकते हो, सारे के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे गाइज. सो अगर आपको अपना मेकअप किट बना रहा है या न्यू सामान बाय करना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा ग्रेट इंडियन वेडिंग सेल चल रही है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ से दो लाइट ब्राउन एंड पीची शेड अप्लाई करे हैं अपने क्रीज में एज अ ट्रांजिशन शेड. एंड देन मैं ये पीछे सॉर्ट ऑफ अ शेड ले रही हूँ एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, एंड मैं डायरेक्टली क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ. नेक्स्ट ये मैं लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ और अपनी पूरे आईज पे पैड करूँगी. देन आई एम टेकिंग दिस ब्यूटिफुल रोज गोल्ड शेड, जो कि एज अ बेस मैं अप्लाई कर रही हूँ सबसे पहले फिंगर की हेल्प से. एंड यू कैन सी दिस इज सच अ सटल ब्यूटिफुल रोज गोल्ड शेड. नेक्स्ट मैं अगेन एक कलर ले रही हूँ ये वाला, और उसके बाद मैं इसे अप्लाई करूँगी क्रीज में. नेक्स्ट मैं ये मिलानी का लिक्विड आई शेडो ले रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल रिफ्लेक्स है इसके अंदर. मैं बहुत हैवी मेकअप नहीं कर रही हूँ ब्राइडल का, क्योंकि जो मेरा आउटफिट है वो ही बहुत खूबसूरत और बहुत हैवी है ब्राइडल लुक के लिए. एंड देन मैं फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड आउट कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से ब्लेंडेड लगे, ऐसा ना लगे कि कुछ ख़राब है. नेक्स्ट मैं थोड़ा सा आउट ऑफ वी को डेप्थ देने के लिए डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ. यहाँ पर कैमरा फोकस नहीं कर रहा था. देन मैं एक एंगल ब्रश की हेल्प से सेम ब्राउन शेड लेके एज अ लाइनर ड्रॉ करूँगी. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फिजिशियन फार्मूला का ये मस्कारा. एंड गाइस फिजिशियन फार्मूला बहुत ही अच्छे मस्काराज बनाते हैं, क्योंकि मेबलिन के बाद मुझे अगर कोई पसंद आया तो ये फिजिशियन फार्मूला के मस्काराज. नेक्स्ट मैंने वाइप की हेल्प से जो भी एक्सेस हुआ था, गिरा था, उनको निकाल दिया है, क्लीन किया है. देन मैंने अगेन यहाँ पे सेम मिलाने का ऑयल लिया है, एंड देन मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ. तो ये पैक का प्राइमर है, पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर. अगेन ये काफ़ी मैटिफाइंग सा है और पोर को स्मूथ कर देता है, जिससे कि आप फाउंडेशन जब अप्लाई करते हो तो बहुत स्मूथली वो अप्लाई होता है. और उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ ये प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन. O3 का फाउंडेशन है ये गाइस, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ. एंड अब अच्छा फाउंडेशन है ये, तो आप इसको भी अगर ट्राई करना चाहो तो लिंक नीचे मिल जाएंगे. सबके लिंक्स आपको नीचे मिलेंगे जो भी प्रोडक्ट मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं. देन यू कैन सी कि इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है, ये ब्लेंड भी बहुत अच्छे से आ रहा है. बट जो मैंने स्पंज यूज़ किया है वो रियल टेक्निक का नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगी थी.
और ये आपको लो टू मीडियम कवरेज देता है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऑरेंज कैरेक्टर ले रही हूँ सेम मेबलिन की किट में से. ये काफ़ी अच्छा ऑरेंज कैरेक्टर है, सटल सा है, तो जहाँ भी मुझे डार्क स्पॉट्स हैं या कंसीलिंग की ज़रूरत है मैं वहाँ पे ये करेक्टर यूज़ कर रही हूँ ताकि ऐशी ना लगे जब मैं कोई नेक्स्ट प्रोडक्ट अप्लाई करूँ या कंसीलर कर लगाऊँ. तो इसे मैं पहले ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्राइट, दो ब्राइट शेड, क्योंकि पहला वाला जो येलो शेड है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो मैं सेकेंड शेड से इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि वो बैलेंस लगे. एंड देन मैंने यूजुअल प्लेसेस जहाँ जहाँ मैं अप्लाई करती हूँ अपना हाईलाइटिंग वहाँ पे अप्लाई किया. उसके बाद मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैं अपने सबसे पहले अंडर आईज एंड नोज़ के कॉर्नर पे सेट कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले क्रीज जो होता है वो यहीं स्टार्टिंग होती है. तो उसके बाद मैं पूरे फेस को सेट कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये कलर बार का कोल अपनी वाटर लाइन में. मैं एक थिक कोल अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सेम मेकअप रेवोल्यूशन का स्मॉल किट, जिसमें से ब्राउन एंड पीची शेड को ले रही हूँ एक शेडर ब्रश की हेल्प से. एंड मैं अपनी लोअर लैश को स्मोक आउट कर रही हूँ इस काजल के साथ जो मैंने अप्लाई किया है. देन मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये दूसरा पिंक शेड एक बड़े से स्मजर ब्रश की हेल्प से. एंड देन मैं अगेन सेम अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करूँगी. देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर बार की परफेक्ट सेल्फी स्टिक, ये है शेड रोज गोल्ड, जिसे मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ एंड अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी. तो ये थोड़ा सा चंकी सा ग्लिटरी सा यू नो सेल्फी हाईलाइटर स्टिक है. देन ब्रॉन्जिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का न्यू ब्रॉन्जिंग पाउडर, जो कि काफ़ी अच्छा है. यू कैन सी ब्रॉन्जिंग के लिए फेयर टू मीडियम कॉम्प्लेक्शन के लिए, तो मैं अपने हॉलोज ऑफ चीक्स अपने जॉ लाइन एंड फोरहेड पर अप्लाई कर रही हूँ. नेक्स्ट ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी का ब्यूटीफुल सा पिंकी ब्लश, जिसके अंदर गोल्डन कलर के रिफ्लेक्स हैं, जो कि परफेक्ट है ब्राइडल लुक के लिए और मेरे आउटफिट के साथ भी जा रहा है. तो अब अगर इसे लगा रहे हो तो आप हाइलाइटर स्किप भी कर सकते हो. एंड मैं थोड़ा सा नोज़ पे भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि नोज़ भी थोड़ा ब्लशी ब्लशी सा लगे. नेक्स्ट मैं यहाँ पे हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का हाइलाइटर. एंड स्मॉल ब्रश की हेल्प से अगर अप्लाई करते हो तो आपको जो परफेक्ट हाइलाइटिंग इफेक्ट चाहिए वो आपको उसी एरिया पे मिलेगा. नेक्स्ट ब्राउज के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस वाले पैलेट में ब्राउन शेड है तो उसी की हेल्प से मैं अपने ब्राउज को फिल इन कर लूँगी. एंड यू कैन सी कि बहुत अच्छा ब्राउ प्रोडक्ट का काम कर रहा है. नेक्स्ट कलर बार का ये मैं रोज़ मिस्ट ले रही हूँ, फेस पे अप्लाई कर रही हूँ विद इन काइंड ऑफ अ ग्लो के लिए. नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सुपर स्टे इंक फ्रॉम मेबलिन. इट्स अ ब्राइट पिंक कलर, क्योंकि जो मेरा आई मेकअप है वो सटल पिंक रोज गोल्ड शेड है, तो डार्क पिंक एंड लाइट पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था मुझे. एंड मेरी ज्वेलरी भी पिंक है. देन हेयर स्टाइल के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले मिड पार्ट करा है एंड थोड़ा सा पुफी बनाते हुए मैंने बैक कॉम्ब करके पिनअप किया है और ऊपर से, और उसके बाद मैं बनाऊंगी यहाँ पे बन. एंड मैंने यहाँ पे फ्लावर्स लगाए हैं जो मैंने क्लब फैक्ट्री से लिए थे. और यहाँ पे मैं पहन रही हूँ झुमका, जो ज्वेलरी मैं यहाँ पे पहन रही हूँ. इसमें आपको ये मिल जाएगी आपको shystylesdotin पे, क्योंकि ये ज्वेलरी shystylesdotin पे बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करवाने वाली हूँ. ये मेरे वेडिंग कलेक्शन में से आपको मिलेगी. पिंक बिंदी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज. वेरी सटल, वेरी ब्यूटिफुल इंडियन ब्राइडल लुक है ये. और लास्ट में मैंने यहाँ पे नोज़ पिन ऐड की है. बहुत ज़्यादा हैवी लुक मैंने क्रिएट नहीं किया है, बहुत सिंपल सा है. एंड ये आउटफिट है वोगम फैशन का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था. एंड लुक एट द लुक, आई होप आपको ये मेरा ब्राइडल लुक पसंद आया होगा. टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस.